तो गाइस अगर आपको हमारा डांस पसंद आया तो प्लीज कमेंट में बताना, अभी जाके बताओ अभी जाके। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हुआ है 8:10 और आंसू और तो आज लेट उठे क्योंकि इनको आज 9 जाना है स्कूल में। तो अभी मैं कर रही हूं देबू का बैग खाली, इसलिए अपने रात को बैग खाली नहीं किया, मेरे को पकड़ा दिया बेचारा। दीदी आप कर दो प्लीज, इतने पैसे क्योंकि आज इनको बुक नहीं लेके जानी है, ओनली इनको लंच बॉक्स और बोतल लेके जानी है, इसलिए आज सुबह बैग खाली कर रही है। दिखा दो मेरे को भी, मैं कैसे बैग खाली कर लूं। और इनके स्कूल में कल जो एनुअल फंक्शन है उसके लिए आज रिहर्सली कराएंगे, तो ये बहुत एक्साइटेड हो रहे, खुश हो रहे हैं। आंसू और देखो तो बाय बाय, मैं जा रहा हूं गाइस, आईडी कार्ड लेके जाता हूं, बैग में डालता हूं, पहन पड़ गया। तो गाइस आपको आज पता, आज बैग छोटे रिसुदा की आज ये देगा सुदा, डू गेट द हैव गुड, अच्छा पाओ अच्छा करो, उल्टा कह दिया इसने, डू गेट द हैव गुड अच्छा करो अच्छा पाओ, हिंदी का उल्टा कह दिया कोई बात नहीं, ये छोटा बच्चा है इसको माफ कर देना। तो गाइस आज हमारा कैंटीन का डे है और आज हम दोनों को 20-20 रुपीस मिले, इसलिए आज हमें 4 तक रुकना, वो देख के बड़ी बहन भी आ गई है। बाय 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 गाइस, मिलते हैं हम आपको अपने स्कूल के आने के बाद। बाय मम्मी, तो गाइज बच्चे स्कूल चले गए थे हमारे सुबह सुबह, और उनको छोड़ के मैं अंदर आई, फिर अंदर आके मैंने काम करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने कपड़े उठाए, वो क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं जो ऐसे इधर उधर हो रहे थे, तो उनको उठाया, जो धोने वाले कपड़े थे उनको धोया मैंने, मशीन लगाए, और उसके बाद मैंने झाड़ू निकाली, किचन साफ़ की, क्योंकि कल मेरे से नहीं हुई थी किचन साफ और थक गई थी, मैंने ऐसी टेम्परेरी साफ़ की थी, लेकिन आज पूरी किचन क्लीन की है और पूरे घर की डस्टिंग की, क्योंकि ऐसे मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी हर जगह, और मेरे को मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं आती, अगर कहीं भी मिट्टी है तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी घर में। तो मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया और कपड़े बाहर सूखे हुए हैं, अभी कपड़े उतार के लाऊंगी क्योंकि थोड़े थोड़े गीले अभी मैं देख के आई थी, तो थोड़ी देर में लाऊंगी। तो अंदर का काम मेरा सारा ख़त्म हो गया था, और उसके बाद मैंने जो बाहर पौधे लगाए हुए हैं उनमें पानी दिया, क्योंकि 3-4 दिन से पानी नहीं आया था, और कल भी मेरे से नहीं दिया गया क्योंकि कल मैं थक गई थी तो मैंने आराम किया था। तो अभी मैंने सारे पौधों में पानी डाल दिया है और पूरा आंगन मैंने धोया, क्योंकि पूरे आंगन में मिट्टी मिट्टी और पत्ते ही पत्ते हो रखे थे, तो मैंने पूरा आंगन क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे जो पक्षियों के लिए पानी रखती हूँ उनको भी पूरा साफ़ किया, क्योंकि बहुत ही मिट्टी और गंदा पानी हो रखा था, तो मैंने इनको पूरा वॉश करके और यहाँ पर वापस भर दिया है। तो ये गद्दी मैं यहाँ रख के गई थी जो कि झूले की है हमारी, तो इनको अभी झूले पे लगाऊंगी मैं, जाने से पहले इनको उतार के रख के गई थी घर, ताकि कोई लेकिन इन पर मिट्टी मिट्टी नहीं है। तो अभी मैंने झूले पे यहाँ पे पूरे इसकी गद्दी रख के और इसको अच्छे से तैयार कर दिया बैठने के लिए। खाना मैंने बना खा लिया है और अभी मैं लेके आ रही हूँ कपड़े उतार के, और कपड़ों पर कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि आंसू हो आएंगे, उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि प्रेस करके रख लेती हूँ अलमारियों में, नहीं तो फिर आ जाते हैं बच्चों को खाना पीना देना होता है, बहुत काम हो जाता है मेरे साथ, मतलब मेरे को बहुत काम हो जाता है जो करने का होता है। और उनका कल उनका एनुअल फंक्शन है तो स्कूल में जाना है उनको, तो उनको एनुअल फंक्शन की, और कल आंसू और एनुअल फंक्शन है तो उनकी घर आके तैयारी भी करवानी है, बाकी आज वो तैयारी करने ही गए हैं स्कूल में, उनके रिहर्सल हो रही है पूरे दिन से, लेकिन फिर भी घर आके देखती हूँ उन्होंने क्या किया है, कहीं कमी है कि क्या करना है उनको, तो घर आके दिखाऊंगी मैं आपको उन्होंने कैसा डांस किया है स्कूल में और कल क्या करने वाले वो। और अभी हम आ गए थे स्कूल से वापस, और देबू कर रहा अपना होमवर्क ड्राइंग का, क्या कर दिया थे देबू तेरे को? मेरे को ड्राइंग पेस्ट करना है, पीछे गया पीछे पीछे गया, ये लेजी डॉग नहीं करोगे कलर? करूंगा ये, तो करो जल्दी से कलर दो फिर, बिल्कुल मेरे पास तो है नहीं, मैं कैसे करूँ फिर, मेरे को क्या पता, कहाँ गया देबू?
मैं दिखा दो अभी। है निकालो, जल्दी निकालो। कंप्लीट करना है वो आज। ये देखो, ये कह रहा है असली का ऑरेंज लगाना। मैंने यहाँ पे पढ़ के देखा, आफ्टर रीडिंग ऑरेंज पेस्ट द पील हेयर। और इसने कहा दीदी इस यहाँ पे ना पूरा एक बड़ा सा ऑरेंज लगाना है, यहाँ पे बस छिलका लगाना है। ये मेरा पागल बना रहा था। मैं जब मैं तेरे को पागल लगती हूँ? और अब मेरे को पता नहीं मम्मी क्या करते। मम्मी आप बर्तन मांज रहे थे, देखा मेरा दिमाग? मेरे को पता नहीं था। कैसे पता चला? मेरा दिमाग देखो, मेरे को आपके बर्तन मांजने की आवाज आ गई थी अंदर। हाँ देखा, देखा इतना स्मार्ट तू। मैं बोतल रख के आने का, बोतल रख के आने का। और हम आपको पता कल हमारा क्या है? क्या है? एनुअल फंक्शन। कब से बता रखा है, कब से बता रखा है, कितनी बार बताएगा? और कल हम आपको बता है मैं कितने बजे आएगी हमारी वैन? 11 बजे। और 12 बजे स्कूल स्टार्ट होगा। इतने बर्तन कैसे हो रहे हैं? इतने सारे बर्तन? हाँ मैंने सुबह दोपहर को तुम टिफिन लेके आए तो वो आप 5 बजे तो आए थे, फिर मैं प्रेस करने लगी, फिर मेरे पास तो न्यूट्रिएंट आ गई थी तो बर्तन साफ ही नहीं हुई थी। अच्छा तो वो तो मेरे को भी पता है, अभी गई है वो। अब चूहा पड़ गया, छोड़ दे। अरे ओ देव छोड़ दे इसका पैर। छोड़ दे ये चूहा, लग गया के पीछे लग गया वो पे। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये आशु के पीछे चूहा लग गया, छोड़ नहीं रहा इसके पैर को। अरे छोड़ दे, छूट गया, छूट गया, छूट गया, छूट गया, छूट गया, छूट गया। ये देखिए गाइस, मेरी मम्मी देख रही है फोन, वो भी खाते खाते। और अभी कहती है नहीं मत देखो वरना मारूंगी, खुद देख रही है। हैं अब रखो, रखो तो टाइम लगा थोड़ा सा, देख लेने दो। नहीं बंद करो, बंद करो, बंद करूंगी अभी थोड़ी देर में, बंद करो। तो अभी खाना पीना हमारा हो गया मस्त, और अभी आंसू करके दिखाएगी डांस जो कि इसको कल स्कूल में स्टेज पे करना है। अभी ये प्रैक्टिस कर रही है और उसके बाद करेगा देबू। तो गाइस अगर आपको हमारा डांस पसंद आया तो प्लीज कमेंट में बताना, अभी जाके बताओ अभी जाके। और अगर आपको हमारा डांस सच में अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय, गुड बाय, सी यू टाटा।